चंदू के जो चाचा हैं वो चंदू की मौसी के नाना हैं, और चंदू की मौसी के जो नाना हैं वो मेरठ में रहते हैं। अब मेरठ की जो कचौड़ियां हैं वो चंदू की बुआ के बेटे के बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद हैं। तो अब बताइए चंदू की नानी का चंदू की बुआ के बेटे से क्या रिश्ता हुआ? समझ में आया? नहीं ना। PS1 मैंने देखी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स की कुछ समझ में ही नहीं आया। भाई बहुत दिन से सुन रहे थे मणि रत्नम की फिल्म है, बाहुबली को टक्कर दे देगी, बाहुबली को पीट देगी, 500 करोड़ का बजट है, ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं इसमें। मैंने फिल्म देखी और फिल्म के पॉजिटिव्स भी हैं, फिल्म के नेगेटिव्स भी हैं। भैया पॉजिटिव बात यह है कि बड़े ग्रैंड स्केल पर बनी है, बहुत बड़े बड़े सेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वॉर के सीन्स हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन ग्रैंड होने का मतलब क्या अच्छा होना होता है? देखिए ये फिल्म पोन्नियन सेल्वन नाम के नॉवल पर बनी है और मुझे ऐसा लगता है कि भैया फिल्म देखने से पहले नॉवल पढ़ लेनी चाहिए या कम से कम उसके बारे में बेसिक जानकारी जुटा लेनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि फिल्म है क्या। नटशेल में बताऊं तो चोल साम्राज्य की कहानी है। अब भाई जहां पे भी राजा होते हैं वहां उनके दुश्मन भी होते हैं और अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो उनका राज्य हड़पना चाहते हैं, वैसा ही कुछ यहां भी होता है। लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे राज्यों के नाम हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार फिल्म देख रहे हैं या फिर नॉवल पढ़ रहे हैं, या फिर फिल्म देखते हुए नॉवल को साथ में ही ले आते। कार्ती ने इस फिल्म में बहुत कमाल की एक्टिंग की है, उनकी कॉमिक टाइमिंग से लेकर और उनका एक एक डायलॉग आपको मजा आता है। इसके अलावा जयम रवि जो पोन्नियन सेल्वम के किरदार में हैं, वो फिल्म में काफी बाद में आते हैं लेकिन इंप्रेस करते हैं। विक्रम जिनके नाम पर यह फिल्म खूब बेची गई, उनका फिल्म में अभी कोई ज्यादा रोल नहीं है, पार्ट टू में हो सकता है वो बहुत ज्यादा दिखें। ऐश्वर्या राय अच्छी लगी है लेकिन दिक्कत यह है कि ऐश्वर्या का ये अवतार हम पहले भी देख चुके हैं, जो था अकबर में भी। यहां लेकिन ऐश्वर्या ने कनिंग कैरेक्टर प्ले किया है जो खूबसूरत भी है और चालाक भी है, और ये एक शेड जो ऐश्वर्या को अलग दी गई है वो उन पर काफी सूट भी करी है। त्रिशा बहुत अच्छी लगी है इस फिल्म में। एक और ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या लक्ष्मी, तो समुद्र देवी के किरदार में है और वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी है। देखिए फिल्म ग्रैंड है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा चोल साम्राज्य के बारे में, आपको होमवर्क करके जाना पड़ेगा, आपको खूब सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं ना तो हम दिमाग लगाने के लिए नहीं जाते हैं, हम एंटरटेन होने के लिए जाते हैं। फिल्म आपको एंटरटेन तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर और काफी बाद तक आपको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। हम सिर्फ ग्रैंड सेट्स देखने नहीं जाते हैं, हम कहानी को समझने भी जाते हैं। और मुझे लगता है इस कहानी को उन लोगों के लिए थोड़ा सिंपल तरीके से समझाया जाना चाहिए था जिन्हें चोल साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं पता। बाकी तो ग्रैंडनेस आजकल हर फिल्म में दिखाई देती है और मणिरत्नम की फिल्म में तो भैया ग्रैंड तो होगी ही होगी। तो मेरी शिकायत इस फिल्म से इतनी है कि कहानी को थोड़ा सिंपल तरीके से कहा जाता तो और बेहतर होता। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार्स।